हेलो दोस्तों, मोमेंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल दिखाए थे और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, और आज हम ऐड कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, ये से सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर में जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, ये जो पॉइंट्स है रेशनल नंबर के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐड करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन को यहाँ पर मैंने लिखा है सोल्यूशन के साथ, देखिए यहाँ पर तो -2/5 and 4/5 है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसमें क्या कहते हैं इसको, जो एंड यहाँ पर है तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सलून के साथ लिखे यहाँ पर, तो -2/5 + 4/5, तो इसका कहते हैं एलसीएम निकालते, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो 5 ही आएगा यहाँ पर। तो इसमें 5 का डिवाइड जैसे 5 में करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसमें सिमिलरली इसमें 5 का डिवाइड इसमें 5 में करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। और क्या कहते हैं, -2 है, -2 आइए +4 है, तो +4 में आप -2 घटाएं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और अपान में क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो इसका इसका इस पॉइंट नंबर वन क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पॉइंट नंबर टू है यहाँ पर, पॉइंट नंबर टू है -6/11 and -4/11 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहें तो पॉइंट नंबर टू यहाँ पर लिखते हैं -6/11 and -4/11 है, तो एंड के प्लेस पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं यहाँ पर, इक्वल लगा करके यहाँ पर इसका सोल्यूशन, तो -6/11 + -4/11 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कि प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना माइनस ही आएगा, तो -6/11 - 4/11। ठीक है, अब इसे कहते हैं 11 डिनोमिनेटर के कहते हैं एलसीएम निकालें, तो एलसीएम करने के लिए कितना आएगा, 11 ही आएगा। अब क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, और इसको क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देना तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और सिमिलरली इसी प्रकार 11 का डिवाइड इसमें 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -6 में करते तो -6 आएगा। ठीक है, अब जो कि यहाँ -6 है या -4 है, ठीक है, तो -6 और -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -6 -10 ही आएगा। ठीक है, तो -10 आएगा यहाँ पर, और ये अपॉन क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड का आंसर हो जाएगा। नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए -11/8 and 5/8 है, तो यहाँ पर एंड के प्लेस पे फिर क्या कहते हैं, प्लस लगाते हैं यहाँ पर, तो -11/8 + 5/8। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर के कहते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा, 8 आएगा, और इसका डिनोमिनेटर का, और इसमें क्या कहते हैं डिवाइड करते कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड 8 में करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -8 - 11 करें कितना आएगा, -11 आएगा। ठीक है, -11 आएगा। अब जो कि यहाँ पर माइनस क्या कहते हैं 5 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा ना, कि हाँ 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब जिसकी साइन बड़ी होती है यहाँ पर उसकी साइन लिखाई जाती है। ठीक है, तो -6/8, और जो कटे काट देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, तो 2 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो -3/4, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो 4 को अभी देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड के प्लेस कहते हैं प्लस लिखते हैं यहाँ पर, तो 5/6 + -1/6। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं आप, तो क्या कहते हैं 5/6 ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही देता है, तो यहाँ माइनस लगाते हैं, और 1/6 लिखा है, तो 1/6। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर कहते हैं एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा, 6 से आएगा, और 6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करके कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, और 6 का डिवाइड फिर से 6 में करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, अपॉन में 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो कटे काट देना है 2 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा, ये आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, पॉइंट नंबर वन अब पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री अब पॉइंट नंबर फोर है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए यहाँ फोर है, यहाँ फाइव है, यहाँ एट है, यहाँ पास इलेवन ट्वेल्व है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वहाँ पर वन और ये फोर है, ठीक है। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं वन, यहाँ पर कहते हैं फाइव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिनोमिनेटर है, जो कि इसमें क्या कहते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर वन लिखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर वन है, पॉइंट नंबर वन है, तो थ्री अपॉन में फोर एंड माइनस थ्री अपॉन में फाइव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसके पहले ऐड लिखा था, यहाँ पर ऐड करना है, तो ऐड की प्लेस क्या लिखते हैं यहाँ पर, पहले प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, तो थ्री अपॉन में फोर प्लस ये माइनस है, तो माइनस थ्री अपॉन में फाइव, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब ये थ्री अपॉन में फोर, जब यह माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस लगाते हैं, अब थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर फोर है, यहाँ पर फाइव है, तो इन दोनों के कहते हैं एलसीएम निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, तो फोर कॉमा फाइव का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो यहाँ पर टू से करते हैं, यहाँ पर टू आएगा, और टू टू जब फोर हो जाएगा, यहाँ फाइव ना आएगा तो फाइव ही आएगा यहाँ पर, फिर टू से करेंगे यहाँ पर और कितना आएगा, वन आएगा, यहाँ पर फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब फाइव से कटेगा तो फाइव यहाँ लिख देना है, तो वन यहाँ फाइव, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा फोर और फोर फाइव जा ट्वेंटी, यहाँ कितना आंसर आएगा, यहाँ पर ट्वेंटी एलसीएम आएगा। अब जो कि यहाँ पर ट्वेंटी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कहते हैं एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, ट्वेंटी आया, ठीक है। तो ट्वेंटी आया यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइव है यहाँ पर, ट्वेंटी है, तो फाइव और ट्वेंटी में डिवाइड करके कितना आएगा, फोर ही आएगा, और फोर का मल्टीप्लाई थ्री में करके कितना आएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वेल्व लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ फोर है, यहाँ पर ट्वेंटी है, तो फोर का डिवाइड ट्वेंटी में करेंगे तो फाइव ही आएगा, और फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करके कितना आएगा, फिफ्टीन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्टीन आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर फिफ्टीन आ गया, यहाँ पर फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व, तो फिफ्टीन में से ट्वेल्व घटाएंगे कितना आएगा, थ्री आएगा, और थ्री अपॉन में ट्वेंटी, यहाँ पर आपके ट्वेंटी आ जाएगा। अब इस फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टू है, पॉइंट नंबर टू है, फाइव अपॉन में एट एंड माइनस सेवन अपॉन में ट्वेल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, तो एंड के प्लेस पे कहते हैं प्लस लिखते हैं यहाँ पर, तो फाइव अपॉन में एट प्लस माइनस सेवन अपॉन में ट्वेल्व, तो माइनस सेवन अपॉन में ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस सेवन सेवन अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही आएगा, तो फाइव अपॉन में एट माइनस सेवन अपॉन में ट्वेल्व, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एट है, यहाँ पर ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व और एट का कहते हैं एलसीएम यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ पर एट और ट्वेल्व का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से टू से कटेगा तो टू बार करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, फोर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर टू से कटेगा, यहाँ पर टू लिखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, टू बार में आएगा, और ये थ्री बार में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर टू से, यहाँ पर टू, और यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा। अब थ्री से करना है, थ्री से कटेगा ही, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और थ्री बार में कितना आएगा, वन आएगा, तो वन आएगा। अब क्या कहते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, कितना एलसीएम आएगा, कितना यहाँ पर, यहाँ पर ट्वेंटी फोर आया, तो एलसीएम ट्वेंटी फोर आया, यहाँ पर ट्वेंटी फोर ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ट्वेल्व का डिवाइड ट्वेंटी फोर में कितना आएगा, टू आएगा, अब टू का मल्टीप्लाई सेवन के लिए कितना आएगा, फोर्टीन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाते हैं, इसी पर क्या कहते हैं, एट का डिवाइड ट्वेंटी फोर में करेंगे, तो ट्वेंटी फोर में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, थ्री आएगा, और थ्री का मल्टीप्लाई फाइव में करके कितना आएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है। अब फिफ्टीन में से माइनस फोर, माइनस फोर्टीन घटाएंगे तो कितना आएगा, वन आएगा, और ये अपान में ट्वेंटी फोर लिखा है, ट्वेंटी फोर, ठीक है। और ये सेकेंड का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड है, तो माइनस वन अपॉन, माइनस वन एंड थ्री अपॉन में फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एज्यूम वन कर लेते हैं यहाँ पर, अब एंड की प्लेस पे कहते हैं प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो यह माइनस वन अपॉन में वन प्लस ये थ्री अपॉन में फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर वन है, यहाँ फोर है, तो यहाँ वन और फोर के डिवाइड एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, फोर ही आएगा। अब जब फोर आ जाएगा यहाँ पर,
फोर आया यहाँ पे, एलसीएम कितना आया, फोर आया, ठीक है। अब फोर का डिवाइड, फोर का डिवाइड फोर में कितना आएगा, वन ही आएगा। अब वन का मल्टीप्लाई थ्री में कर दे तो कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। इसी पर क्या कहता है, वन का डिवाइड फोर में कितना आएगा, फोर ही आएगा। अब फोर का मल्टीप्लाई माइनस वन में कर दे तो कितना आएगा, माइनस फोर आएगा, ठीक है। तो माइनस फोर और प्लस थ्री है, ठीक है। तो फोर में से थ्री घटाएंगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा, अपान में फोर आ जाएगा, ठीक है। अब जिसकी साइन बड़ी है तो उसकी साइन यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ लेते हैं, फोर है जीरो एंड माइनस टू अपान में फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर वन एज्यूम कर लेते हैं। अब एंड के प्लस से कहते हैं, प्लस लिखते हैं यहाँ पर, जीरो अपान में वन प्लस ये माइनस टू अपान में टू फाइव है, ठीक है, माइनस टू अपान में फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो अपान में वन प्लस, सही, माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टू अपान में फाइव लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ वन है और फाइव है, तो वन और फाइव के कहते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा, फाइव ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ फाइव आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, फाइव आया। और फाइव का डिवाइड फाइव में करेंगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा। और वन का तो मल्टीप्लाई टू में कर दो तो कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। अब इसी पर क्या कहते हैं, यहाँ पर वन का डिवाइड फाइव में कर तो कितना, फाइव आएगा। और फाइव का मल्टीप्लाई जीरो में कर दो तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आया। अब यहाँ पर जीरो माइनस टू है, तो जीरो में से टू घटाओगे तो कितना, टू ही आएगा, तो टू आएगा, अपन में फाइव लिखते हैं। अब यहाँ पर साइन, जिसकी साइन बड़ी होती है उसकी साइन यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस टू अपन में फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ के आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नंबर वन है माइनस ट्वेल्व अपन में फाइव प्लस टू अपन में सेवन इक्वल टू अपन में सेवन प्लस माइनस फाइव अपन में, सही, ट्वेल्व अपन में फाइव, ठीक है। तो पॉइंट नंबर टू है फाइव थ्री अपन में फोर प्लस माइनस टू अपान में फाइव एंड प्लस माइनस सेवन अपान में टेन इक्वल थ्री अपान में फोर प्लस माइनस टू अपान में फाइव प्लस माइनस सेवन अपान में टेन है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन लेते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर सोल्यूशन के साथ यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर जो कि यहाँ वेरीफाई करना है, तो दोनों को लेकर साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों में इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या है, प्रूफ हो जाएगा। अगर दोनों में इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्या हो जाए, वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के साथ लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस ट्वेल्व अपान में फाइव है प्लस टू अपान में सेवन है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव और सेवन के कितने आते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, थर्टी फाइव आएगा। तो यहाँ पर थर्टी फाइव के कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं थर्टी फाइव आएगा। तो यहाँ सेवन का डिवाइड तो थर्टी फाइव में करें कितना आएगा, थर्टी फाइव ही फाइव ही आएगा, ठीक है। सेवन का डिवाइड थर्टी फाइव में करेंगे तो फाइव आंसर फाइव आएगा। तो अब फाइव का मल्टीप्लाई टेन में करें कितना आएगा, सही, फाइव का मल्टीप्लाई टू में करें कितना आएगा, टेन आएगा, ठीक है। अब फाइव का डिवाइड थर्टी फाइव में करेंगे, थर्टी फाइव से का डिवाइड थर्टी फाइव में करेंगे तो सेवन आएगा। अब सेवन का मल्टीप्लाई माइनस ट्वेल्व में करेंगे, तो यहाँ पर टेबल कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस ट्वेल्व अपान में सेवन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्टीन आ जाएगा, फोर्टीन का वन फोर्टी फोर वन कैरी हो जाएगा, और सेवन का मल्टीप्लाई वन कितना आएगा, सेवन आएगा, और क्या कहते हैं एट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एट्टी फोर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एट्टी फोर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस एट्टी फोर में से टेन घटाएंगे, मतलब एट्टी फोर में से टेन घटाएंगे कितना आएगा, सेवेंटी फोर आ जाएगा, ठीक है। अब जिसकी साइन बड़ी होती है वहाँ पर कहते हैं उसकी साइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्टी फाइव है, यहाँ पर थर्टी फाइव लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कट मत काटनी आप, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम थ्री से जस्ट लाइक दिस नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक को लगा करके। तो यहाँ पर सेवन है, यहाँ पर फाइव है, तो यहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है यहाँ पर। तो टू अपान में सेवन लिखते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। तो और ट्वेल्व अपान में फाइव। अब इन दोनों को कहते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा, थर्टी फाइव ही आएगा, ठीक है। अब फाइव का डिवाइड थर्टी फाइव में करेंगे तो कितना आएगा, सेवन आएगा। अब सेवन का मल्टीप्लाई ट्वेल्व में करें कितना आएगा, एटी फोर आ जाएगा, ठीक है। अब एटी फोर यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ लगाते हैं। अब सेवन का डिवाइड थर्टी फाइव में करेंगे कितना आएगा, फाइव ही आएगा। अब फाइव के मल्टीप्लाई टू में करें कितना आएगा, टेन आएगा,
टेन आया, यहाँ पर आप टेन में से क्या कहते हैं 84 घटाएंगे, मतलब 84 में से 10 घटाएं कितना आएगा 74 आ जाएगा। अब जिसकी साइन बड़ी होती है यहाँ पर उसकी साइन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, अपॉन में 35। और आप देख रहे हो यहाँ पर -74 अपॉन में 35 एंड इक्वल ये है आपका, ठीक है, -74 अपॉन में 35 ये आपका क्या हो जाएगा, फिर प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट का सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अपॉन में 4 प्लस -2 अपॉन में 5 प्लस 7 -7 अपॉन में 10 इक्वल 3 अपॉन में 4 प्लस -2 अपॉन में 5 प्लस -7 अपॉन में 10, ठीक है। तो इस दोनों का क्या कहते हैं, यहाँ पर जब पहले ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 और 5 कहते हैं एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पर 20 लिख देते हैं और यहाँ पर 5 का डिवाइड 25 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई कितना -2 में करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ -8 आया, यहाँ पर यहाँ कहते हैं प्लस लिखते हैं तो यहाँ प्लस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ 4 है, यहाँ पर 20 है, और 24 में और 20 में से डिवाइड करके कितना आएगा 5 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 15 आया। और यहाँ कहते हैं प्लस, ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस और माइनस कहता है माइनस ही होता है यहाँ पर, तो -7 अपॉन में 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर इसको भी पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर 3 अपॉन में 4 है प्लस, इसको ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, इसके यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, तो 5 और 10 क्या कहते हैं एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा, 50 आएगा। और 10 का डिवाइड 50 में करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो -35 आएगा, ठीक है, -35 आएगा। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 5 का डिवाइड 50 में करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। और 10 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना आएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट आपके यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 15 प्लस -8 अपॉन में 12 है, तो यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो प्लस और माइनस कहता है माइनस ही होता है यहाँ पर, तो 15 ये प्लस है ये माइनस, तो क्या जाएगा माइनस ही हो जाएगा। और 8 और अपॉन में क्या होना जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट इसको लगा लेते हैं और ये -7 अपॉन में क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, -7 अपॉन में 10 इक्वल, और ये 3 अपॉन में 4 है, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ -20 प्लस -35 है, तो यहाँ -20 है तो यहाँ -20 लगाते हैं, यहाँ पर प्लस है ये माइनस होता है यहाँ पर इंटू होता है तो क्या कहते हैं माइनस ही देता है, तो यहाँ पर -35 एंड अपॉन में 50, ठीक है। अब यहाँ पर 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 अपॉन में 20 -7 अपॉन में 10, ठीक है, इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 अपॉन में 5 है, 3 अपॉन में 5 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ 20 -20 और -35, तो -20 और -35 यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 5, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 55 अपॉन में 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पर इसका मतलब 20 और 10 का डिवाइड कर मतलब एलसीएम निकालने के कितना आएगा 20 ही आएगा, तो 20 ही आएगा। अब इसका एलसीएम का 20 और 10 का एलसीएम निकालने कितना आएगा 20 आएगा। अब 10 का डिवाइड 20 में करें कितना आएगा 2 आएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 7 करें कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाते हैं। अब 20 का डिवाइड 20 में करें कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7 कर दे तो 7 ही आएगा, ठीक है, इक्वल यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पर 3 अपॉन में 4 है, 3 अपॉन में 4 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो कि यहाँ प्लस है या माइनस है तो प्लस और माइनस कहता है माइनस ही होता है यहाँ पर,
तो यहाँ पर 55/50 हो जाएगा, ठीक है। 7-40/20 3/4-55/50 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7 में से 40 घटाएं तो कितना आएगा, -7/20 आएगा इक्वल। अब इसके यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर से 5 से घटेगा, यहाँ पर काटेंगे तो कटेगा, काट देना है। तो यहाँ पर 11 बार में कटेगा, मतलब 5 से काटें तो 11 बार में आएगा, और ये 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 बार में आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 -11/10। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यहाँ विच इम्प्लाइज, तो -7/20 इक्वल। अब इन दोनों के कहते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 का डिवाइड 40 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, फोर का मल्टीप्लाई 11 करेंगे कितना आएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का डिवाइड 40 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -7/20 इक्वल, अब यहाँ पर 44 में से 30 घटाएंगे, दैट मीन्स 44 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, -14 आएगा, और यहाँ 14/40 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर -40/40 है, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, और 2 2 4 या 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -7/20 इक्वल -7/20, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सेकेंड का वेरीफाई प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर।